यूपी के भदोही में विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत में चार तरह की विचारधाराएं, नामपंथी, वामपंथी, धामपंथी और विकासपंथी। थप्पड़ कांड के बाद सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा वार। बोले, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मेरे ऊपर हमला हुआ, बीजेपी ने रची इस हमले की साजिश। पीएम मोदी के राजीव गांधी पर दिए बयान को लेकर भड़की प्रियंका गांधी। ट्विटर पर लिखा, मोदी ने अपनी बेलगाम सनक में एक नेक इंसान की शहादत का निरादर किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निकाली भड़ास। कहा, मेरे पिता को बीच में खींचकर भी आप नहीं बच पाएंगे, मोदी जी आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा बसपा का गठबंधन टूटने वाला नहीं है, पीएम को पता है कि अब सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए आईटी सीबीआई की रेड करा रहे हैं। हरियाणा में भरी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हुंकार। बोले, हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना, सूबे में एक घर भी ऐसा नहीं जहां गैस सिलेंडर ना हो। पीएम मोदी के महागठबंधन पर दिए बयान पर निकला मायावती का गुस्सा। कहा, फूट डालो और राज करो की नीति से महागठबंधन को तोड़ने की हो रही है कोशिश। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह पर गिरी एक और आफत। बैन के दौरान मंदिरों में जाने पर इलेक्शन कमीशन ने दिया नोटिस, कांग्रेस ने की थी शिकायत। चक्रकोण की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के सामने लगाए जय श्री राम के नारे। ममता ने कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, कहा नतीजों के बाद देख लेंगे। बीजेपी नेता वरुण गांधी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, जो सैफई में गोबर के कंडे उठाते थे वह 5 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के मामले में नया मोड़। मामले को लेकर दो जजों में मतभेद। कहा, पीड़िता के बिना सुनवाई ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, नरेंद्र मोदी खुद सेना की वीरता के नाम पर वोट मांगते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बाद राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज़फ़ायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आज से फिर दिल्ली वालों को झेलनी पड़ेगी गर्मी की मार। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान फानी का कहर कम, दिल्ली में फिर लोगों के निकलेंगे पसीने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता की तारीफ। कहा, अमेरिका और रूस के संबंधों में है अपार क्षमता। इराकी प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच हुई वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा। जोशना ने मलेशिया के शिवा सांगारी सुब्रमण्यम को दी मात, घोषाल ने मलेशिया के योनिक को हराया। आज होगी आईपीएल में 4 टीमों के बीच टक्कर, किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मोहाली में होगी भिड़ंत, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई में होगा मुकाबला। अमिताभ और बादशाह के बाद अब कटरीना कैफ ने खरीदी लग्जरी कार रेंज रोवर्स वोग, 2,65,00,000 की बताई जा रही है कीमत। और प्रमोद की पॉपुलैरिटी बनी पड़ोसियों के लिए सरदर्द, शिकायत करने पहुंचे पुलिस स्टेशन, पुलिस ने मीडिया कर्मियों को सैफ और करीना के घर के बाहर से हटाया।